और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता से बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पुलिस की गुंडागर्दी यहां देखने को मिली है। कोलकाता में पुलिस ने जेपी नड्डा का मंच जो है वो तोड़ दिया है। इसी जगह पर जेपी नड्डा का कार्यक्रम होना था और अब टीएमसी के गुंडे लगातार जिस तरीके से हिंसा पश्चिम बंगाल में फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, अब कोलकाता पुलिस ने भी इस तरीके का रुख अपनाया है। गुंडागर्दी कोलकाता पुलिस के सामने आई है। जेपी नड्डा का जहां पर कार्यक्रम होना था वो मंच पुलिस की ओर से तोड़ दिया गया है। आज धरने पर बैठने वाले हैं जेपी नड्डा और उसके लिए मंच जो है वो तैयार किया गया था, लेकिन देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा के मंच को तोड़ा गया है और ये कोलकाता पुलिस ने ही किया है। कोलकाता पुलिस की गुंडागर्दी एक तरीके से देखने को मिली है क्योंकि आज देशव्यापी प्रदर्शन जो है बीजेपी करने वाली है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा हो रही है उसको लेकर आज देशव्यापी प्रदर्शन है बीजेपी का। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने जा रही है। आज ममता दीदी का शपथ ग्रहण एक ओर होगा और दूसरी ओर बीजेपी का प्रदर्शन होगा। एक ओर शपथ ग्रहण चल रहा होगा तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर सड़क पर उतरेगी। जेपी नड्डा कल से ही बंगाल में है और आज कोलकाता में धरना देंगे। बताया ये जा रहा है कि रविवार से अब तक एक दर्जन से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं जो हैं वो पश्चिम बंगाल में हो चुकी हैं। 9 कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए हैं जिनके नाम भी बीजेपी ने जारी किए हैं। आमी মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে বিধি ধারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট। हिंसा की इन तस्वीरों पर गौर करिए, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के शासन की याद दिलाती हैं। साल 2011 में जब ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल की बागडोर संभाली थी तो उम्मीद थी कि ये दादागिरी खत्म हो जाएगी, लेकिन ममता के शासनकाल में वही पॉलिटिकल पैटर्न अपनाया गया। साल 2011 में ममता बनर्जी ने कोलकाता में राइटर बिल्डिंग से पैदल मार्च किया था और शपथ ग्रहण के लिए राजभवन पहुंची थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा ज्योति बसु ने 1977 में किया था, यानी बंगाल की सत्ता संभालने के लिए ममता बनर्जी ने जब पहला कदम उठाया था तो वो कदम उसी रास्ते पर पड़े जिस रास्ते से लेफ्ट की सरकार चली थी। ये पथ वो अग्निपथ था जो आज भी ममता के कदमों तले है और बंगाल को जला रहा है। बंगाल जलाने वाले अब होंगे बेनकाब। गुंडों को सबक सिखाने बीजेपी मैदान में, ममता दीदी के गुंडों ने बंगाल में बम चलाना शुरू कर दिया है। चुनावी नतीजे आने के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा की अलग अलग घटनाओं में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, कई जख्मी हैं और तो और आरोप ये भी है कि टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं की आबरू भी लूट ली। इसी के विरोध में बीजेपी आज से देशव्यापी धरना देगी। बंगाल में जारी हिंसा के विरोध में बीजेपी सड़क पर उतर रही है और पूरे देश में धरना प्रदर्शन आयोजित कर रही है। बीजेपी ने धरने के लिए उसी दिन को चुना जिस दिन ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ लेंगी। इसके लिए एक दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, वे कोलकाता में धरना देंगे। बीजेपी का कहना है कि हिंसा के विरोध में जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है उसमें कोविड-19 गाइडलाइन का पालन होगा। बंगाल में शासन के दौरान मुस्लिम तुष्टिकरण के बाद ममता बनर्जी के दामन पर ये सबसे बड़ा दाग है कि उनके शासनकाल में टीएमसी के कार्यकर्ता निरंकुश हो जाते हैं और प्रदेश की शांति और कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं। शपथ के बाद कोरोना को लेकर मीटिंग करने वाली है ममता बनर्जी। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह ममता बनर्जी का है जो वो चलता रहेगा, दूसरी तरफ बीजेपी धरना देने वाली है। वहीं शपथ के बाद ममता बनर्जी जो है वो मीटिंग करेंगी कोरोना को लेकर। दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये रिव्यू मीटिंग होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगी ममता बनर्जी। सभी जिले के डीएम सीएमओ के साथ ये बैठक होगी। सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, 11:15 शपथ ग्रहण समारोह और फिर 12:30 ये रिव्यू मीटिंग। और एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, पश्चिम बंगाल से बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसा की वजह से असम की ओर पलायन कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। तो पिछले दिनों की अगर बात करें, जब पश्चिम बंगाल में नतीजे आए हैं और बहुमत में टीएमसी आई है, उसके बाद से हत्याएं जो है, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। बीजेपी के दफ्तरों में आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, जिसकी वजह से अब देखिए ये तस्वीर जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। असम की ओर पलायन करते देखे गए हैं 300 से 400 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो अपने परिवार वालों के साथ असम पहुंचे हैं। असम के धुबरी बताए जा रहे हैं कि ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं शरण लेने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर जो है वो भी पश्चिम बंगाल से है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जो है वो जारी है। मिथुन ने ममता बनर्जी पर अटैक किया है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी है, जिसको लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि राजनीति से ज्यादा इंसानी जिंदगी जो है अहमियत रखती है। और साथ ही ये भी मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि कृपया बंगाल में हिंसा को बंद किया जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे जिनके घरों में आग लगाई जा रही है, जिन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिनकी हत्या की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर बंगाल में हिंसा पर ममता ने हाई लेवल मीटिंग की है। कल कोलकाता में आला अफसरों के साथ ये बैठक ममता बनर्जी ने की। 45 मिनट तक ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो चली है। मीटिंग में मौजूद रहे हैं मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी। चुनाव के बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने जिस तरीके की तस्वीर पश्चिम बंगाल की सामने आ रही है, उसको लेकर जानकारी ली है। तो जानकारी ली है, लेकिन क्या इस पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार इसी तरीके से गुंडागर्दी वहां पर देखने को मिल रही है। कभी पुलिस गुंडागर्दी करती है, कभी टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। क्या ममता बनर्जी इस पर एक्शन लेते हैं, ये भी आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर, 45 मिनट तक हाई लेवल मीटिंग ली है ममता बनर्जी ने। लगातार पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। हाई लेवल मीटिंग इसको लेकर कल कोलकाता में आला अफसरों के साथ ली ममता बनर्जी ने। 45 मिनट तक ये हाई लेवल मीटिंग चली। एक और बड़ी खबर जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, आपको बता दें, आज शपथ ग्रहण के साथ ममता जो है देश में इकलौती महिला मुख्यमंत्री होंगी। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी ममता बनर्जी। साल 2011 में पहली बार लेफ्ट के 34 साल के राज को खत्म करके ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और तब से अब तक लगातार 3 चुनाव में उनकी पार्टी टीएमसी ने विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाई है, और इस बार टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की है। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी ही एक महिला हैं जो देश में एक राज्य की कमान संभाल रही हैं। ममता दीदी ने पहली बार 184 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में 34 साल के लेफ्ट राज को समाप्त किया था। 20 मई 2011 को उन्होंने शपथ ली। दूसरी बार 211 सीटें जीतकर ममता ने फिर वापसी की और 27 मई 2016 को शपथ ली। अब वो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तीसरी बार सजेगा दीदी दरबार, फिर से बंगाल की देवी है दीदी। बंग में फिर एक बार दीदी सरकार, बंगाल में दीदी फिर दीदी। ममता बनर्जी ने पहली बार 20 मई 2011 को 1:01 पर सीएम पद की शपथ ली थी। उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पी चिदंबरम, एके एंटनी और प्रणब मुखर्जी पहुंचे थे। राजभवन में 3200 लोगों की मौजूदगी में ममता दीदी ने शपथ ली थी। ममता दीदी ने ये सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी। ममता की पहली कैबिनेट में टीएमसी के 36 मंत्री थे और कांग्रेस के 7 मंत्री शामिल थे। पश्चिम बंगाल में पहली बार एक महिला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2012 में टाइम मैगजीन ने ममता बनर्जी को दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया था। दूसरी बार साल 2016 में एक बार फिर बहुमत के साथ जीतकर ममता बनर्जी वापस सरकार में आई। पिछली बार से इस बार 27 सीटें ज्यादा थी। ममता ने 27 मई को पिछली बार से अलग राजभवन की जगह कोलकाता के रेड रोड पर हजारों की भीड़ के सामने एक विशाल मंच पर
देश के नामी गिरामी नेताओं की मौजूदगी में दोपहर 12:45 पर शपथ ली और दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। उनके इस शपथ ग्रहण समारोह में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए। अब तीसरी बार 5 मई 2021 यानी आज के दिन ममता बनर्जी एक बार फिर राजभवन के टाउन हॉल में सुबह 10:45 पर शपथ लेंगी। कोरोना संकट के चलते कार्यक्रम को पहले की तरह भव्य नहीं रखा गया है और न ही ममता दीदी के मंत्रिमंडल को आज शपथ दिलाई जाएगी। इस बार के शपथ ग्रहण में ममता बनर्जी ने क्रिकेटर सौरव गांगुली, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, वाम मोर्चा के विमान बोस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को आमंत्रित किया है। बनर्जी ने जब साल 2016 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उस वक्त राज्य में सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल की थी, लेकिन उसी वक्त ममता को भगवा से खतरा सताने लगा था और वो तभी से एंटी बीजेपी रणनीति पर काम करने लगी थीं। उन्होंने 2016 में ही मोदी विरोधी नेताओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जाकर उनका मुकाबला सीधे नरेंद्र मोदी से होने वाला है। 2011 में ममता ने शपथ ग्रहण की शुरुआत में ईश्वर के नाम पर शपथ ली थी। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। जबकि 2016 में उनका नैरेटिव बदल गया और उन्होंने शपथ ग्रहण की शुरुआत में ईश्वर और अल्लाह का नाम लिया। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত संविधान। वैसे तो इस बार भी दीदी ने अपनी सीटों में इजाफा किया है, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी है। कांग्रेस और लेफ्ट पूरी तरह से साफ हो चुके हैं और ममता को अगले 5 साल उस विपक्षी दल से मुकाबला करना है जिसने पिछले 7 सालों में कई राज्यों में विपक्ष में रहते हुए सत्ता पलट दी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। न्यायखंड की आम्रपाली विलेज सोसाइटी का एक पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर एक साथ 200 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। आम्रपाली विलेज सोसाइटी प्रशासन ने सोसाइटी को सील करने की बात कही है। 200 कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ पाए गए हैं। एक साथ 200 लोग सोसाइटी के भीतर कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। न्यायखंड में है ये आम्रपाली विलेज सोसाइटी जहां 200 कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो सामने आए हैं। और एहतियातन अब इस सोसाइटी को सील करने की बात सामने आ रही है क्योंकि 200 कोरोना पॉजिटिव केसेस यहां से एक साथ सामने आए हैं। अब उनकी क्या कुछ हिस्ट्री रही होगी, क्या वो किन लोगों से मिले होंगे, वो कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, ये भी बड़ी जो चुनौती है। अब इसको जो ट्रैक करना है वो भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगा, लेकिन ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ।